आज विद्यार्थियों के लिए कुछ खास। पंच विद्या में गृह्णाति चंडा स्तब्धश्च ये नरः अलसा रोगिणश्चैव येषां च विसृतं मनः। तो हमारे याज्ञवल्क्य शिक्षा के अंदर एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है, बहुत ही अच्छा सुंदर सा, जिसको मैं आपको अभी बताऊंगा कि विद्यार्थियों के ये पांच गुण, इनको कभी भी ना शिक्षा प्राप्त करनी नहीं देंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि हाँ भाई विद्यार्थियों के जीवन के अंदर ये अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत उचित है, और अत्यंत ही ये रोचक है, और अत्यंत ही ये हमारे लिए लाभदायक है, वो भी जीवन के लिए भी, क्योंकि विद्या वह नहीं होती जो हमको सिर्फ ओनली किताबें ही ज्ञान देती है, विद्या वह भी कहलाती है हमको जो जीवन के अंदर सीख देती है, जीवन जीना ही सिखा देती है, उसको भी विद्या ही कहा जाता है। तो हमारे ये जो आचार्य है, वेदों के जो आचार्य है, हमारे वेदों को पढ़ने वाले जो आचार्य है, टीचर है, गुरु है, जो भी आप जिस भी भाषा में आप समझ सकते हो, आप समझ ही सकते हो, वो ये कहते हैं कि पंच विद्याम न गृह्णन्ति, ये पांच प्रकार के जो शिष्य है, इन्हें ये पांच प्रकार के जो लोग हैं, ये पांच प्रकार के जो विद्यार्थी है, विद्या ग्रहण नहीं कर सकते। पंच विद्याम न गृह्णन्ति चंडा स्तब्धश्च ये न, चंड चंड का अभिप्राय आप समझते ही हो, अकड़ू टाइप के, ढी टाइप के जो व्यक्ति लोग होते हैं, चंड बोला जाता है जो अनर्थ करने वाले पापी, जो दुराचारी लोग हैं, वो भी कभी भी शिक्षा तो ग्रहण कर ही नहीं। स्तब्ध स्तब्ध का अभिप्राय यह होता है कि जो अकड़ने वाले हैं, यानी कि जिनके मुख के ऊपर हमेशा ही अकड़ रहती है, सूखे लकड़ की तरह जो अकड़े रहते हैं, वह भी कभी भी विद्या अर्जन कर ही नहीं सकते, क्योंकि विद्या अर्जन करने के लिए उनको उचित गुरु के सानिध्य के अंदर जाना पड़ेगा, और उस गुरु से शिक्षा लेनी पड़ेगी जिस गुरु को हम अपने जीवन के अंदर उच्च स्तर का बड़ा हुआ देखते हैं, यानी कि पाते हैं परीक्षार्थ के बाद में, क्योंकि गुरु की भी परीक्षा होती है, तभी गुरु को अपनाना चाहिए, क्योंकि वो स्तब्ध है, जो अकड़ू है, वो कभी भी विद्या तो ग्रहण कर ही नहीं सकते। चंड जो बेईमान लोग होते हैं, और जो स्तब्ध जो अकड़ू लोग होते हैं, वो भी कभी भी विद्या को अर्जन ग्रहण नहीं कर सकते। ईशान स्तब्धश्च ये नरः, वो जो नर है, अलसा, फिर आ गया अलसा, अलसी तो मैं बता, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान ऋतु नास्तिद्यम समूह बंधु कृत्वा यमुनावसी नदी। महाराज भरतरी अभी भी इस बात को कहते हैं कि जो आलसी लोग होते हैं ना, इनका भी वही मैटर हो जाता है, यानी कि एक तो देखो आलस्य हमारे शरीर का होता है, एक मन का, दो प्रकार का आलस्य होता है, दोनों प्रकार के आलस्य में जो आलसी हो जाते हैं ना, वो भी कभी विद्यार्थी तो बन ही नहीं सकते ना, वो कभी ही विद्या को ग्रहण कर पाते। अलसा रोगिणश्चैव येषां च विसृतं मनः, और फिर जो रोगी हो जाते हैं, 148 प्रकार से ज़्यादा के रोग आज भारत के अंदर है, और हम भारत के निवासी हैं, भारत हमारी देश है, हमारी मूल परंपराओं से जुड़ी हुई चीज़ें जो हम आपको बताते रहते हैं, उसमें ये है कि भाई जो रोगी हो जाएगा ना, जिसको वातपित्त कफ का इम्बैलेंस हो जाता है, शरीर के अंदर कोई रोग हो जाता है, तो वह विद्यार्थी भी विद्या ग्रहण कर ही नहीं सकता, क्योंकि विद्या ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर को स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। अभी रोगी व्यक्ति विद्या ही ग्रहण नहीं कर पाएगा, चाहे वो किसी भी मनुस्थिति के अंदर चाहे वो खड़ा नहीं है, लेकिन रोगी व्यक्ति विद्यार्थी नहीं बन सकता पूर्ण रूप से भी। अपवाद रूप में कोई एक उदाहरण ऐसा मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहूँगा कि ऐसा बहुत इम्पॉसिबल काम है, नहीं तो स्वस्थ व्यक्ति ही विद्यार्थी नहीं बन पाते, तो उनका तो कहने के अपवाद रूप में कोई कोई हमको देखने को मिलता है, जैसे हम टीवी शोज के ऊपर देखते हैं, नई नई जगह देखते हैं, न्यूज़ के अंदर देखते हैं, वो अपवाद के रूप में कोई ऐसा होता है जो विद्यार्थी बन जाता है। फिर बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात एंड में जाकर के उन्होंने कही है कि ये शाम से विश्रेतम, ये शाम का अभिप्राय जिनका मन है, यानी कि ये जो चित्त है, यानी कि ये जो मन है, ये जो माइंड है, अस्थिर रहता है, आपको पता है कि हमारा जो मन है इतने गतिशील होता है, इतना गतिशील होता है, और ये विश्रेतम हो जाए, यानी कि ये अपने मार्ग से ही पलायन कर जाए, कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, क्यों ऐसा मन क्या एकाग्र हो सकता है? नहीं, उसके लिए तो महर्षि पतंजलि योग साधना सूत्र के अंदर, योग सूत्र के अंदर उनको बताते हैं कि यम निवासन प्राणायाम प्रत्याहार धारण क्रिया योग वो करे, तपस्वा दे ईश्वर परिधान निक्रिय, वो क्रिया योग करे और अपने जीवन को तभी तो लेकर जा सकते हैं, सबने लेकर जा सकते हैं। तो विश्रेतम मन अपने मन को उस मार्ग के ऊपर लगाए, उस मन को वहाँ पहुँचाए जहाँ उसको जाना है, वरना तो उसका जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा, और अपने चित्र को ना तो कभी एकाग्र कर पाएगा, ना कभी कभी विद्यार्थी बन पाएगा। और हाँ, ये मेरा जो छोटा सा उद्देश्य है, ये विद्यार्थियों के लिए है, और जिनको अपने जीवन में उन दुष्टों के लिए नहीं है, उन दुर्जनों के लिए नहीं है, उन ऐसे राक्षसों प्रवृत्ति के लोगों के लिए नहीं है, जो अपने जीवन को उस नरक के अंदर धकेलते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं, और अपने गुरुजनों के लिए हंसी मजाक का पात्र बन जाते हैं, खुद भी उनका हंसी मजाक करते, खुद भी उनके पात्र बन जाते हैं। तो देख लो आप अपने जीवन के अंदर, हमको जो मार्ग सुनिश्चित करना है, उस मार्ग पर हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, और कितना हम ऊंचे स्तर को हम प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा तो भाई देखो, जीवन ही ऐसा है, हमारा तो जीवन ही ऐसा है, उपदेश करने लायक होता है, प्रवचन करने लायक होता है, और हम जितना हो सकते हैं उतनी कोशिश करते हैं कि अपनी जो ज्ञान है, यानी कि जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमने अडॉप्ट किया है, उसको आप तक पहुँचाए, और उस नॉलेज के साथ साथ हम आप तक वो बातें भी पहुँचाएं जो आपके जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी, आपको संस्कारित करें, आपको ऊंचा उठाए। तो ये पाँच व्यक्ति कभी भी ना विद्यार्थी तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि विद्यार्थी बनने के लिए उसको तप करना पड़ता है,
पचे खेती जखे विद्या, तप करने से विद्या आती, बार बार पचने से खेती की जा सकती है। ऐसे ही विद्यार्थी को बार बार प्रयास करना पड़ता है। एक स्वाध्याय करने के बाद में फिर उसको दूसरा करना पड़ता है, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके उसको सैकड़ों स्वाध्याय करने पड़ते हैं अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या के अंदर। तो वो विद्यार्थी तभी बन सकता है ना जब वो अपने जीवन को उस मार्ग पर ले जाने के लिए अग्रसर हो, प्रेरित हो, क्योंकि उसके वैसे विचार पनपते ही नहीं। यहाँ का समाज तो देखो ऐसा ही है जहाँ पर मैं अभी लेक्चर कर रहा हूँ, यानी कि सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये पाँच गुण आपके लिए अत्यंत जरूरी है। जो विद्यार्थी है जो हमारी बात को हृदय की गहराई से स्वीकार करते हैं, मानते हैं, समझते हैं, ये बात उनको याद रखनी है कि ये पाँच प्रकार के गुण अगर आपके जीवन के अंदर है तो उनको त्याग देना चाहिए। ये गुण आपको ऊँचे तक नहीं उठाते। अगर ये आपको ऊंचाई के ऊपर लेकर के चले जाते तो मैं कभी इनका न तो प्रवचन करता ना इनके बारे में आपको बताता। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करने की इच्छा तो नहीं करती, बोलने का मन कर रहा। चलो ठीक है, फिर भी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।